सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल। यूएसए टीवी पेश है स्पेशल रिपोर्ट। कनेडा दे विच एक मगरों एक नवीं बंदिशां लागू कीतियां जा रही ने, पर इन्हां कारणां करके काम तो वेले होण करके किरतियां नूं कई आर्थिक मदल दे असार नज़र नहीं आ रहे ने। पिछले हफ्ते कनेडा दी संसद ने बिल C2 पास कर दिता सी, जिस नूं कनेडा वर्कर लॉकडाउन बेनीफिट का नाँ दिता गया। नवीं आर्थिक सहायता योजना के नाँ दे विच लॉकडाउन शब्द होण कारण जदों तक लॉकडाउन नहीं लगेगा उदों तक किरती आर्थिक सहायता के हकदार नहीं होणगे। कनेडा वर्कर लॉकडाउन बेनीफिट अधीन 24 अक्टूबर 2021 तो 7 मई 2022 तक आर्थिक सहायता मुहैया करवाने का ऐलान किया गया, पर कोई किरती $300 प्रति हफ्ता की सहायता नहीं मांग सकता क्योंकि मुल्क के किसी भी हिस्से दे विच लॉकडाउन नहीं लग्या। पिछले हफ्ते कनेडा की संसद ने बिल C2 पास कर दिता सी, जिसनों कनेडा वर्कर लॉकडाउन बेनीफिट का नाँ दिता गया। नवी आर्थिक सहायता योजना के नाँ दे विच लॉकडाउन शब्द होने कारण जदों तक लॉकडाउन नहीं लगेगा उदों तक किरती आर्थिक सहायता के हकदार नहीं होणगे। कनेडा वर्कर लॉकडाउन बेनीफिट अधीन 24 अक्टूबर 2021 तो 7 मई 2022 तक आर्थिक सहायता मुहैया करवाने का ऐलान किया गया, पर कोई किरती $300 प्रति हफ्ता की सहायता नहीं मांग सकता क्योंकि मुल्क के किसी भी हिस्से दे विच लॉकडाउन नहीं लग्या। पिछले हफ्ते कनेडा की संसद ने बिल C2 पास कर दिता सी, जिसनों कनेडा वर्कर लॉकडाउन बेनीफिट का नाँ दिता गया। नवी आर्थिक सहायता योजना के नाँ दे विच लॉकडाउन शब्द होने कारण जदों तक लॉकडाउन नहीं लगेगा उदों तक किरती आर्थिक सहायता के हकदार नहीं होणगे। कनेडा वर्कर लॉकडाउन बेनीफिट अधीन 24 अक्टूबर 2021 तो 7 मई 2022 तक आर्थिक सहायता मुहैया करवाने का ऐलान किया गया, पर कोई किरती $300 प्रति हफ्ता की सहायता नहीं मांग सकता क्योंकि मुल्क के किसी भी हिस्से दे विच लॉकडाउन नहीं लग्या।